हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हुनर मैजिक सीरीज़ के बारे में, मतलब कि हुनर वापस कमबैक कर चुका है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। इनके काफ़ी तगड़े फीचर्स हैं जो कि हमें प्रीमियम स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपने शायद मार्क किया होगा कि हुआवे के स्मार्टफोन अभी कुछ टाइम से मतलब कि हमें देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि यूएसए ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था, तो उसने स्मार्टफोन बनाना बंद कर दिया। फिर थोड़े ही दिन में कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, लेकिन उसमें हमें गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था, तो उसके कारण वो भी अच्छे से नहीं चल पाया था। फिर अब हुआवे और होनर, जो कि होनर एक हुआवे के सब ब्रांड थी, लेकिन अब वो दोनों ही अलग हो चुके हैं, तो अब से होनर के ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और ब्रांडिंग है होनर की, वही हमें स्मार्टफोन के पीछे भी देखने को मिलेगी, मतलब कि पीछे की ओर हमें अब हुआवे नहीं होनर देखने को मिलेगा। तो अब होनर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे और यहाँ पे कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो कि हमें प्रीमियम स्मार्टफोन में भी नहीं देखने को मिलती। जब होनर और हुआवे एक साथ थी, तब हुआवे और होनर ने सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब कि अभी आपको जो 14 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलते थे, वही हमें हुआवे के मोबाइल में पहले ही देखने को मिल चुके हैं। मतलब ये है कि होनर सब कुछ, मतलब कि उसने सब कुछ ट्राई किया हुआ है और वो जो चीज़ हमें मतलब कि महंगी होती है, वो चीज़ हमें सस्ते में प्रोवाइड कर देता है। मतलब कि ज़्यादा कैमरा वाला स्मार्टफोन भी हमें सस्ते में देखने को मिल जाता है और क्लियरिटी भी काफ़ी कमाल की अच्छी निकल कर आती है। अब फाइनली बात करते हैं मैजिक सीरीज़ के फीचर्स के बारे में। होनर अभी जो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, उसमें हमें तीन मैजिक सीरीज़ के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक मैजिक 3, एक मैजिक 3 प्रो और एक मैजिक 3 प्रो प्लस। मतलब कि यहाँ पे प्रो प्लस जो मॉडल है वो एक अलग से ऐड किया हुआ है। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें 6.7 इंच की ओलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी नोटिस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी हमें किसी भी स्मार्टफोन में ओलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, सिवाय गूगल पिक्सल सीरीज़ के। तो यहाँ पे हमें ओलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होती है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे होनर अब कोलकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर वाले चिपसेट का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि पहले वो किरिन का प्रोसेसर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो कोलकॉम के साथ मतलब कि कुछ उसने पार्टनरशिप की है, तो वो अब से कोलकॉम 888 का सपोर्ट लेगी। और साथ साथ अगर बात करें प्रो मॉडल और प्रो प्लस की, तो यहाँ पे हमें 888 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोलकॉम का प्रोसेसर काफ़ी फास्ट और स्मूथली वर्क करता है। और साथ साथ इस मोबाइल में हमें एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस को काफ़ी तगड़ी मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हो, अच्छी वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे। बात करें कैमरा की, तो होनर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेंसर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे होनर मैजिक सीरीज़ में हमें सोनी IMX766 का सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे हमें मोनो कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे मेगापिक्सल के साथ प्रोवाइड किया गया है। और साथ साथ यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि आपने अभी मार्क किया होगा कि इस स्मार्टफोन की मार्केट में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी छोटा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है। बात करें अगर प्रो मॉडल की, तो यहाँ पे हमें पेरिस्कोप सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी तगड़ी चीज़ है। और यहाँ पे ये चीज़ एक नोटिस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सेंसर को एक साथ प्रोवाइड करना काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें साथ साथ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे हमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें प्रो मॉडल की, तो यहाँ पे हमें TOF सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट को काफ़ी मेंटेन करता है और आपकी जो सेल्फी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ बाहर आएगी। तो यहाँ पे सेल्फी में भी हमें काफ़ी क्वालिटी प्रोवाइड की गई है। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे हमें 4600 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, और उसके साथ साथ हमें 66 वॉट का वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और अगर बात करें प्रो मॉडल की, तो यहाँ पे हमें 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग हमें सिर्फ प्रो मॉडल में ही देखने को मिलेगा। ये सभी वेरिएंट 5G है और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ साथ ये IP54 और IP68 भी, मतलब कि ये फीचर्स भी यहाँ पर डाला गया है।
तो ये चीज़ क्या है, तो आप मेरे पहली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसके बारे में ही बात की है कि ये आईपी रेटिंग क्या होती है। बात करें एंड्रॉयड सिस्टम की, तो यहाँ पे ये जो होनर और हुआवे है अलग हो चुकी है। तो होनर अब से गूगल प्ले स्टोर, मतलब कि हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, पहले ये नहीं हुआ करता था, तो अब से वो गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज उनके स्मार्टफोन बिकेंगे ही नहीं। बात करें एंड्रॉयड की, तो यहाँ पे हमें मैजिक यूआई 5.0 एंड्रॉयड 11 पे ये स्मार्टफोन वर्क करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि ये सभी वेरिएंट के सभी फीचर्स मैं आपको बता दूँ, तो अब कोई फीचर्स वगैरह रह गया है या तो फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो। और लास्ट में मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कि ये तीनों स्मार्टफोन में कौन कौन से माइनर चेंजेस है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।